झंडे से अल्लाह का नाम क्यों हटाया? ईरान ने फीफा से अमेरिका की शिकायत कर दी। ईरान के फुटबॉल फेडरेशन ने अमेरिका की टीम की जानिब से सोशल मीडिया पोस्ट में इस्लामी जमहूरिया के झंडे में रद्दोबदल किए जाने पर फीफा से शिकायत की है। वाज़ह रहे कि दोनों टीमों के दरमियान मंगल को होने वाले वर्ल्ड कप मुकाबले से कब्ल अमरीकी टीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्टें की तो इनमें से ईरान के झंडे पर मौजूद अल्लाह का लफ्ज गायब था। अमरीकी टीम का कहना है कि उन्होंने ईरान के सरकारी परचम को इसलिए इस्तेमाल न करने का फैसला किया क्योंकि वो ईरान में बुनियादी इंसानी हकूक की जंग लड़ने वाली खवातीन से इजहार यकजहती करना चाहते थे जो मुल्क में हकूमत मुखालिफ मुजाहरों का हिस्सा हैं। याद रहे कि ईरान में मुबैना तौर पर इखलाकी पुलिस के हाथों हजाब के कानून के खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी के बाद 22 साल मैसा अमीनी की तशद्दुद से मौत के बाद मुजाहरे फूट पड़े थे जिनको सख्ती से दबाने की कोशिश की गई। ईरान की सरकारी खबर रसा एजेंसी अरना ने कहा है कि अमरीकी फुटबॉल फेडरेशन के इंस्टाग्राम पेज ने एक गैर पेशावराना इकदाम में ईरानी परचम से अल्लाह का निशान हटा दिया। इस इकदाम के बाद ईरानी फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा को एक ईमेल भेजी है जिसमें आर्मी फुटबॉल फेडरेशन से मुतालबा किया गया है कि अमरीकी फुटबॉल फेडरेशन के खिलाफ संजीदा कार्रवाई की जाए। अमरीकी टीम के तर्जमान ने बाद में कहा कि सोशल मीडिया से मतनाज़ा पोस्ट को हटा दिया गया है और इनकी जगह ईरान के दुरुस्त परचम के साथ नई पोस्टें लगा दी गई हैं। तहम उन्होंने कहा है कि हम अब भी ईरान के खवातीन की हमायत करते हैं। याद रहे कि ईरान ने अमेरिका समेत बैरूनी अनासर पर इल्ज़ाम आयद किया है कि मुल्क में जारी मुजाहरों के पीछे इनका हाथ है जबकि अमेरिकी हुकूमतों ने हालिया मुजाहरों के बाद चंद ईरानी हकों के खिलाफ नई पाबंदियाँ भी आयद की हैं।